हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दे और टॉयलेट की ट्रेनिंग कैसे दे। ये हर माँ की चिंता होती है। बच्चे जब एक दो महीने के बाद तीसरे महीने में इंटर करते हैं तो हर माँ ये सोचती है कि अब हमें बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि हम समझ सके कि बच्चे को टॉयलेट आई है, पॉटी आई है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि बच्चों को ये सब बच्चों की ये जो सिम्टम्स होते हैं उसका अभी तक प्रॉपर कोई ऐसा ट्रिक, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास जो कि आपको वीडियो के थ्रू या आपके सामने बता सके कि हाँ आप ये करोगे तो आपके बच्चे आपको बताएंगे, या फिर आप इस चीज को ऐसे नोटिस करोगे तो आपको बताएंगे नहीं। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप नोट करते हो तो आप ये समझ जाओगे कि आपके बच्चे को कब पॉटी आई है, आपके बच्चे को कब टॉयलेट आई है। कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो बच्चे खुद देते हैं तो उन्हें पेरेंट्स को ही नोट करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए थोड़ी हेल्प हो सकती है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो में कोई ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ और ना ही कोई ऐसा मेरे पास प्रॉपर फॉर्मूला है जिससे कि आप अपने बच्चों को ये चीज समझ पाए। मैं आपको आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी जो बेटी है वो 2+ की है, आप बोल सकते हैं कि 2 या 6 मंथ की है, बट जब वो 3 मंथ की थी तब से मैं उसे पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। जैसे कि जब बच्चों को आपको एज देखना है कि बच्चे का सिग्नल होता है, हर बच्चे में अलग अलग देखा जाता है। जब बच्चों के टॉयलेट आते हैं तो बच्चे बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। जब उन्हें पॉटी आती है तो जब छोटे 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में एक अलग मूवमेंट दिखती है, वो थोड़े अपने आप को बॉडी को ऐसे वैसे मूव करने लगते हैं, थोड़ा पैर ज्यादा चलाने लगते हैं। अब किसी बेबी का स्किन भी बहुत रेड हो जाती है अगर उन्हें ज्यादा पुश करना पड़ता है। तो आपको ये चीज नोटिस करना है कि आपके बच्चे में ये मूवमेंट कब हो रही है। दूसरी चीज है, जब आपका बेबी सोकर उठता है, चाहे वो 3 मंथ का हो या 4 मंथ का या 7 मंथ का या 1 ईयर का, तो उसे आप उस टाइम टॉयलेट जरूर करवाएं। अगर आप उस टाइम टॉयलेट करवाते हो और उस टाइम बच्चे 100 में से 80% बच्चे टॉयलेट करते ही करते हैं, तो उससे ये चीज होगी कि उनकी एक आदत होगी कि जब वो उठे तो आप एक, हम जनरली साउंड भी निकालते हैं कि बच्चे उससे टॉयलेट जल्दी करे, पॉटी जल्दी करे, तो आप वो भी ट्रिक उस उन पे लागू कर सकते हो। दूसरी चीज ये है, आप अपने बच्चे को हर 2 आवर में टॉयलेट करवाओ। 2 आवर में बच्चे टॉयलेट करते क्यों करते हैं? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मदर फीड लेते हैं या बाहर की फीड लेते हैं, तो बच्चे कुछ खाते नहीं उस टाइम, तो टॉयलेट ज्यादा ही करते हैं। जनरली बच्चे 3 महीने के बाद पॉटी 2 दिन या 3 दिन बाद करते हैं, उससे पहले तो मुश्किल ही है कि बच्चे करते हैं। तो पॉटी आप जब टॉयलेट के लिए बैठाओगे तो इन द केस अगर उन्हें पॉटी भी लगी होगी तो पॉटी भी कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 3 महीना को, तो 3 महीने के बच्चे को बैठाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं या ऐसा देखा गया है कि बच्चे उस टाइम बैठने की लेवल में, हालत में, वो जो भी आप बोलते हो अपने लैंग्वेज, वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी जो बैक की जो बोन होती है वो उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनकी जो रीढ़ की हड्डियां होती है उन्हें मजबूत नहीं होती है जिससे कि वो बैठ सके। तो आप उन्हें दोनों पैरों को ऊपर उठा के नैपकिन रख करके आप उन्हें बेड पे ही टॉयलेट या पॉटी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, जब आपका बच्चा 4 या 5 मंथ का हो जाए, तो मैं अपने बेटी के लिए पॉटी चेयर ले आई थी। उससे ये होता था कि जब भी वो सोकर उठती थी तो मैं एकदम से उसे पॉटी चेयर में बैठा देती थी, वो टॉयलेट करती ही थी। फिर जैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, आसपास जब वो 7 मंथ की हुई तो इशारे से कहती थी, जब उसे टॉयलेट आती थी तो या पॉटी आती थी तो पॉटी हो जाती थी उसे, तो बिल्कुल साइलेंट हो जाती थी। तो मैं समझ जाती थी कि ये पॉटी करेगी या अपने आप को थोड़ा पुश करने लगती थी। तो जैसे ही वो पुश करती थी मैं एकदम से जाकर उस पॉटी चेयर में बैठा देती थी तो पॉटी कर लेती थी। दूसरी चीज ये भी था कि वो थोड़ा, लोग बोलते हैं आम भाषा में कि बच्चे माऊ बन के चले, जब वो माऊ बन के चल रहे थे और जब उसे टॉयलेट आती थी या पॉटी, तो उस चेयर को जाके गिराती थी, तो उसका एक सिग्नल होता था कि मुझे पॉटी आई है, मुझे चेयर मतलब टॉयलेट आई है, मुझे इसमें बैठा दो, तो मैं उसमें उसको बैठाती थी, वो बहुत आसानी से कर लेती है। तो आपको ये चीज, सारी चीजें अपनी बच्चों में नोटिस करनी होगी। अगर आप ये चीज नोटिस करते हो तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके बच्चे बहुत जल्दी पॉटी करना, टॉयलेट करना सीख जाएंगे।
आप अगर ट्रेनिंग उनको सही टाइम पर स्टार्ट करोगे तो आपको भी आसानी होने लगेगी। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हो, अगर आपका बेबी 6 मंथ या 7 मंथ का हो तो आप उसे सोने से पहले टॉयलेट करवाओ। अगर आप उसे टॉयलेट करवाते हो तो ओवरनाइट बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो टॉयलेट करेगा। मैं अपनी आकृति को कभी भी डायपर नहीं पहनाई क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं उसको इस तरह से ट्रेंड की थी कि वो बाहर भी जाती थी तो डायपर में पहना कर ले जाती थी, तो डायपर में टॉयलेट नहीं करती थी। जब भी मैं बाहर जाती थी, आप ये भी कर सकते हो, जब भी आप बाहर जाओ अपनी बेबी को कोशिश करो ये करो कि वो टॉयलेट करके में करवा के ले जाओ। अगर आप अपनी बेबी को टॉयलेट करवा के ले जाते हो तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि वो बाहर टॉयलेट करे। अगर आप 1-2 घंटे के लिए जाते हो तो टॉयलेट नहीं करते होते, फिर जब वापस आते हो तो आपको वापस आने के बाद भी अपनी बेबी को टॉयलेट करवानी है। अगर आपका बेबी 1 ईयर से ऊपर चला गया तो आप अपने बेबी को सोने से 1 आवर पहले ही उन्हें पानी पीने को दो, उसके बाद ज्यादा पानी मत दो। 1 आवर के बाद आपके बच्चे को जब टॉयलेट आएगी तो आप टॉयलेट, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप वॉशरूम में ले ही जाते हो, तो आप अपने बच्चे को बेडरूम में ले जाने से पहले टॉयलेट करवा लो, तो उससे भी एक बच्चे की आदत हो जाती है कि वो टॉयलेट नहीं करते। दूसरी चीज ये है, आपके बेबी जब भी सो के उठते हैं आपको सबसे पहले उनको टॉयलेट ले जाना है। अगर आप उन्हें टॉयलेट ले जाते हो उनकी एक रूटीन बन जाती है। एक ये भी तरीका है कि आपके बच्चे को धीरे धीरे टॉयलेट में जाकर टॉयलेट करने की आदत लग जाएगी।